पिछले लेक्चर में हमने देखा भाई हिस्ट्री की किताबें कौन कौन सी हैं, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे कम लिखने में खूबसूरती लगती है और उसके लिए वक्त निकालना पड़ता है। इस लेक्चर में हम देखेंगे दुनिया में आपकी लैंग्वेज कितनी भी अच्छी हो, कितना भी फर्राटेदार। एक तो यार ये इंडिया में और भी तमाशा है, फर्राटेदार इंग्लिश बोलने वाले को कहते हैं एजुकेटेड। ग्रामेटिकली वो कितना भी गलत हो, फर्राटे से बोल रहा है बस उतना काफी है। इंडिया की जनता इंप्रेस हो जाती है, वाह 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 वाह। ऐसा नहीं होता साहब। चॉइस ऑफ वर्ड, वर्ड्स की कौन सी चॉइस आप रखते हैं, ब्रेविटी, कितना कम बोलते हैं और असरदार बोलते हैं, डिक्शनरी पर आपका कितना काबू है, क्या आप एक बड़ा सेंटेंस बहुत छोटे में समझा सकते हैं, क्या आप कम बोलकर पूरी बात का कंक्लूजन लोगों के दिलों में डाल सकते हैं। मुझसे नहीं हो पाता पर दुआ करता हूं आपसे हो पाए। तो अगर कोई कोर्स है जिसमें ये ब्रेविटी ऑफ वर्ड्स, चॉइस ऑफ वर्ड, मैग्निफिसेंट स्पीकिंग है तो वो पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की बुक्स हैं। एक तो साहब आईएएस उस जमाने में आईसीएस कहलाता था, इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस फेल। कांग्रेस के लीडर्स, जमींदार के बेटे इंग्लैंड तक इंटरव्यू देने गए, अंग्रेजों ने चूज नहीं किया, वापस आए। और वापस आने के बाद ना साहब इन्होंने यहाँ पर ऐसी लड़ाई लड़ी, ऐसा न्यूज़पेपर, ऐसा लिटरेचर, ऐसी स्पीचेस, ऐसे पाम्फलेट के लोग हिल गए कि क्या लोग है यार। फिर सोने पे सुहागा कि अंग्रेजों के जाने के बाद इन्हीं लोगों ने बैठ कर कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा। अब क्या लिखा है साहब, डॉक्टर बी आर आम्बेडकर, बाबा साहेब आम्बेडकर, उनके सामने चॉइस थी, स्क्रैच से भी लिख सकते थे कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उन्होंने वो बहुत अच्छा किया नेहरू जी ने जो उनसे कहा। और बाबा साहेब आम्बेडकर खुद एक जायंट ऑफ इंटेलेक्चुअल थे, वो जो जानते थे हम में से कोई नहीं जानता था। तो बाबा साहेब ने यह तय किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, नेहरू ने यह तय किया कि जो बाबा साहेब बोल रहे हैं इतनी सही बात है, वो क्या है, नया कॉन्स्टिट्यूशन स्क्रैच से बनाना, री इन्वेंटिंग द व्हील, चक्के को फिर से इन्वेंट करना, ये तो बड़ी बुरी बात है। क्यों ना सारी दुनिया का कॉन्स्टिट्यूशन खोल कर यहां रख दिया जाए और इन कॉन्स्टिट्यूशंस में देखा जाए कौन सी बात सबसे अच्छी है, ए और बी और सी और आयरलैंड का और स्वीडन का और यूनाइटेड किंगडम का अनरिटन, उनका तो रिटर्न भी नहीं है, और अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन जो रिटर्न है, सबको लगाओ और देखो सबसे अच्छी बात किसमें लिखी है, वहां से उठा लो ताकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये कंपेंडियम ऑफ बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस बन जाए वर्ल्ड का। कम पढ़े लिखे लोग, व्हाट्सएप के हेट फैलाने वाले लोग कहते हैं हमने तो सब बैठ के कॉपी पेस्ट किया। अरे साहब ऐसा कॉपी पेस्ट किया है, और आप एक किताब पढ़ोगे ना, मैं एक सीरीज लाऊंगा अच्छी किताबें पढ़ने की, आप एक किताब पढ़ोगे ना उसमें जीनियस कैसे बनते हैं, तो ये बताया कि हर जीनियस को इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं से लेना पड़ता है। तो यहाँ ना सिर्फ बाहर के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पिरेशन ले लिया, आईन ए अकबरी, अकबर के कानून, अशोकास धम्मा, अशोका के धम्मा, दिल्ली सल्तनत, मोहम्मद बिन तुगलक का पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, और अलाउद्दीन खिलजी का जो सिस्टम था उसको आर्मी के कैंटीन तक के कॉपी किया है, जो उन्होंने प्राइसेस, मार्केट रिफॉर्म्स थे अलाउद्दीन खिलजी के, जिसमें उन्होंने मार्केट के प्राइसेस को कम कर दिया था। आज सारे मार्केट के प्राइसेस कम नहीं होते, सैलरी हम बढ़ा नहीं सकते आर्मी की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने हमको ये सिखाया था कि सैलरी नहीं बढ़ा सकते तो मार्केट के प्राइसेस कम कर दो। उसने अनहोनी करके दिखाई थी, उन्होंने सारे मार्केट के प्राइस कम करके दिखाए थे। हमने क्या किया, मार्केट का एक छोटे से टुकड़ा जिसको हम कैंटीन कहते हैं, उसमें मिलिट्री से खरीदारी करने वालों के लिए उन प्राइसेस को कम कर दिया ताकि मिलिट्री का उतनी ही सैलरी में भरण पोषण हो जाए और अच्छे से अच्छा अपर मिडिल क्लास में उनका रैंक आ जाए। क्यों, आर्मी को बिठाकर सैलरी देना ट्रेजरी को खाली करने समान है। ये सब तो खूबसूरती है सिलेबस की साहब। चेहरा और दाग प्रथा लाए थे अलाउद्दीन खिलजी, जिनको सन की दिखाते हैं ना हॉलीवुड की मूवीज में, चेहरा और दाग प्रथा लाए थे, जिनको यूट्यूब के सड़े हुए टीचर्स, एक जुनूनी गंदा बादशाह बताते हैं ना, उसमें ना उस जमाने में फोटोग्राफ नहीं था तो चेहरे पे मार्किंग्स
चेहरे का डिस्क्रिप्शन, बॉडी पर कहीं कोई मार्क हो उसको नोट किया जाता था ताकि इंसान की सही पहचान हो सके। ये वाली प्रथा आज भी पासपोर्ट ऑफिस यूज करता है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स को आपको मेंशन करना पड़ता है पासपोर्ट। हर वो चीज जो जहां खूबसूरत थी उठाकर कॉन्स्टिट्यूशन में डाला और ऐसी चाशनी में, जैसे जलेबी डुबोते हैं ना, लिटरेचर की ऐसी चाशनी में डुबोया, ऐसा पिरोया, ऐसा लुत्फ आ जाता है जैसे रमजान अपना मिसाल आपको हंसा देगी, जैसे रमजान जाने के बाद भी बहुत सारे लोग दो ढाई महीने तक नमाजी रहते हैं, जैसे नवरात्रि का उपवास रखने के बहुत दिनों बाद तक लोग पूजा पाठ में लगे रहते हैं, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर्स खत्म होने के बहुत दिन बाद तक लोग ग्रामेटिकली करेक्ट ब्रेविटी ऑफ वर्ड एंड चॉइसेस्ट वर्ड्स वाली खूबसूरत कंपोज्ड सेंटेंसेस में बात करते हैं। ये तो इस सिलेबस की खूबसूरती, बोला तो है पिछले लेक्चर में कि दुनिया का सबसे खूबसूरत पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स कोई और नहीं है साहब, वो IAS का सिलेबस ही है। तो आपको ना MP जैन की किताब पढ़ना चाहिए, DD बसु की किताब पढ़ना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन अगर सीखना है सुभाष कश्यप की किताब पढ़ना चाहिए। लेकिन एक बताता हूँ, इतनी बड़ी बड़ी दो हैं, जिनको किताब का शौक है उनके लिए बता रहा हूँ, IAS के बच्चों को मैं ये सारा करवा दूंगा, और जिनको किताब का शौक है उनसे भी बोल रहा हूँ, इन किताबों को खरीद के पढ़ने से पहले एक बार ये लेक्चर्स देख लो, ज़्यादा समझ में आएगी किताबें। आप जब अपनी किताब खोलेंगे ना तो सेकंड और थर्ड लेयर की पढ़ाई करने जैसे समझ में आएगी किताबें। शौक के लिए भी कभी कोई कोर्स कर दिया करो यार, आपको पता है आपको IAS नहीं करना, आपकी उम्र निकल चुकी, लेकिन अगर आप फिर भी IAS की तैयारी मतलब ये लेक्चर्स देखते हैं तो क्या होगा मालूम है, आप जिस जिस की ज़िंदगी को छुएंगे ना उन सब की ज़िंदगी में लोग IAS बनने लगेंगे। आप चलता फिरता इंस्पिरेशन बन जाएंगे, लीडर बन जाएंगे साहब, समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की सबसे खूबसूरत दो किताबों का नाम है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स Volume 1 एंड Volume 2, जो लोकसभा में अब नहीं छपती, जहाँ से मिल जाए दो कॉपी खरीद लेना, एक मेरे पास है लेकिन ख़राब हो रही है, पढ़ पढ़ के फट गई, एक मेरे लिए एक अपने लिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स, और जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था ना तो ऑब्जेक्शंस और उस पर स्पीचेस पढ़ोगे ना, अपने आप लीडर बन के निकलोगे, और ऐसा लीडर बन के निकलोगे कि देश को नाज होगा आपके ऊपर। पढ़ के देखो यार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मज़ा आ जाएगा, लाइफ में लुत्फ आ जाएगा, सही है। लेकिन दुनिया में कोई और सब्जेक्ट किसी पर्सनालिटी को इतना डेवलप ही नहीं करता जितना अच्छा डेवलप इकोनॉमिक्स करता है। अल्लाह के करम से हमारे इस्लाम में दोबारा जन्म नहीं होता, ना मिले तो अच्छा है, यही वाले जन्म में देख लिया साहब दुनिया कितनी ख़राब है। लेकिन अगर मिलता ना तो वो वाली ज़िंदगी में इकोनॉमिक्स पढ़ने में गुजारता, क्योंकि मुझे ना बड़ा लेट समझ में आया अपनी ज़िंदगी में कि इकोनॉमिक्स स्पीक्स पॉलिटिक्स, जितना पॉलिटिक्स का खेल है ना सारा इकोनॉमिक्स से आता है। इकोनॉमिक्स समझ गए पॉलिटिक्स समझ जाओगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स, और ये जो इनइक्वालिटी आती है ना असमानता, कुछ लोग बहुत अमीर हो जाते हैं दुनिया के पहले और दूसरे, एशिया के पहले और दूसरे, एशिया के दूसरे और तीसरे, दुनिया के चौथे और पांचवे हैं, और सबसे ज़्यादा गरीब भी इसी देश में, सबसे ज़्यादा महरूम हैव नॉट्स भी इसी देश में। क्या बना दिया इस देश को कि हमको जाकर गेहूं और चावल जो है ना फ्री में लाना पड़ रहा है साहब, लाभार्थी योजनाओं का बनना पड़ रहा है साहब, कहाँ हम गेहूं चावल खुद इतना उगा लेते और कहाँ हम गेहूं चावल ऐसी नौकरी करते कि गेहूं चावल से घर भरे रहते, कहाँ हमारे बच्चे पढ़ लिख कर 270 रुपया फीस JNU की कुछ बन जाते, और कहाँ अब हम पूरी तरह सरकार पर आश्रित हो गए। इकोनॉमिक्स से खूबसूरत दुनिया में कुछ नहीं। जब आप ये कोर्स लगाएंगे तो इकोनॉमिक्स की एक किताब नहीं है, वो सारी किताबें, सारी किताबें मैं कंपोज करके पढ़ाता हूँ। हिस्ट्री में भी जो लेक्चर्स बनाए ना और ज्योग्राफी में भी जो लेक्चर्स बनाए,
6 से 13 और 13 से 19 किताबों का कंटेंट यूज़ किया। तो इकोनॉमिक्स की जो किताबें हैं ना साहब, मैं पढ़ाऊँगा आपको। मुझे कोई भी अच्छी किताब का नाम नहीं मालूम पड़ा क्यों मैंने, क्योंकि हर अच्छी किताब में से जो अच्छी लाइन थी, जैसे वो कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना हमारा, कि हर कॉन्स्टिट्यूशन में जो अच्छी लाइन थी उसको जमा किया था, मैंने उठाकर जमा कर दिया। ऊपर से गूगल खूब किया, ऊपर से इकोनॉमिक टाइम्स और फाइनेंशियल टाइम्स खूब जमा किया। पढ़ लो बच्चों, ज़िंदगी एक बार मिलती है, एक बार मिली हुई ज़िंदगी को ज़ाया मत करना यार, ज़ाया मत करना यार। कुछ भी कर लोगे ना, सारी दुनिया की दौलत लाकर भी दे दोगे ना, तो पीछे जो वक्त गुजार चुके वो वापस नहीं आएंगे, चाहिए भी नहीं। आगे जो वक्त है उसको इतना सवार दो कि ऐसे जिसको टच करो ना, जिसको टच करो उसकी ज़िंदगी चमक उठे। लाइफ का इकलौता चांस है साहब, उठ जाओ। इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो ये किताब पढ़ के देखो, अगर आर्ट्स के स्टूडेंट हो कुछ भी पढ़कर आए हो फिर से मेरी नज़र से पढ़कर देखो, अपनी लाइफ को एक चांस देकर तो देखो। अपने लिए जो लोग पढ़ रहे हैं वो तो बहुत उम्दा, जिनकी उम्रें निकल चुकी, आने वाली नस्लों के लिए पढ़कर तो देखो। अरे पढ़ लो, तो पढ़ाई में वो रोशनी है, वो मक्कारियों को आइडेंटिफाई करने वाले पैटर्न्स हैं। अगर रोशनी के लिए नहीं पढ़ सकते तो अपनी आने वाली नस्लों को उन मक्कारियों से बचाने के लिए पढ़ लो। जो कॉलोनाइजेशन हम अंग्रेज़ों का देखे हैं ना, वो बैंक वाले आज करते हैं, सवेरे से रात तक फ़ोन करते हैं कि हमसे लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो। जो लोन नहीं लेना चाहिए साहब, इसलिए कह रहा हूँ पर्सनालिटी डेवलप कर लो, इस सिलेबस से अपने आप को गुजार लो। और जिन लोग जो लोग तैयारी कर रहे हैं ना, इससे बेस्ट तैयारी नहीं हो सकती। कम से कम ये मैं मानता हूँ, और मेरा ऐसा हक है क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत की है। पिछले 11 महीनों से सूरज नहीं देखा है मैंने, है ना। और जो लोग नहीं तैयारी कर रहे हैं सिर्फ नॉलेज के लिए, इतने सारे अच्छे अच्छे मोहब्बत भरे मैसेज कर रहे हैं, उनसे निवेदन है, बहुत मेहनत से बड़ी कीमती चीज़ बनाई है, देख कर देखो सर। और आप पे तो प्रेशर भी नहीं रहेगा ना एग्ज़ाम क्लियर करने का, तो जो प्रेशर छोड़ कर बैठ कर पढ़ता है ना उसको ज़्यादा याद होता है। जो एग्ज़ाम की तैयारी में बैठ कर कुछ देखता है ना उसको कम याद होता है। इसलिए आपको ये कोर्स करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए। एक सवाल और है भाई, 12th और 9th के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, क्या करें। तो हम ना इसके अंदर NCERT मिलाने जा रहे हैं। हम चाहते थे हमारे बच्चे NCERT पढ़ कर आए, लेकिन हम क्योंकि NCERT से एक भी सवाल वो पूछते नहीं है, सब एडवांस लेवल रिसर्च से पूछते हैं, हम इसमें NCERT मिलाने जा रहे हैं। क्योंकि हमारे पास 3 बच्चे हैं जो 8th और 9th क्लास के हैं, उन्होंने कमाल कर दिया है। जब से उन्होंने ये कोर्स लिया है वो हमको लिखते हैं, सर हमको तो कितने साल बाकी हैं लेकिन हमारी पढ़ाई पर इसका अच्छा असर हो रहा है। और सबसे बड़ी कामयाबी पता है क्या है, अभी तक उन्होंने ये नहीं लिखा कि ये वाला हिस्सा समझ में नहीं आया, जबकि ज्योग्राफी के हार्ड हार्ड कंसेप्ट चल रहे हैं। नहीं, वो लिखते हैं कि उल्टा है, इस पढ़ाई का हमारी बाकी पढ़ाइयों पर बहुत असर हो रहा है। इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, अगर 9th, 11th, 12th से भी हो तो KG 1 के बच्चों को कभी 1-to-1 कोचिंग लगा के देखना किसी रेपुटेड इंस्टीट्यूट से जो अभी हैवी लॉस में जा रहे थे। मिनिमम 4,500 से 5,000 का होम ट्यूटर मिलेगा। ये 500 रुपये महीने में KG 1 का भी ट्यूटर कहीं मिल जाए तो यही व्हाट्सएप नंबर है, मुझे मैसेज करना। वो 500 रुपये में जिसमें KG 1 का टीचर नहीं मिलता ना साहब, हम UPSC का सिलेबस दे रहे हैं, इतनी सारी किताबें दे रहे हैं, और बदले में सिर्फ दुआएं ले रहे हैं। कभी रिव्यू पढ़कर देखना। और जब आप ये कोर्स ले लोगे, अंदर आओगे ना तो एक चैट रूम है, उसमें कई 100 स्टूडेंट है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और वो इतने हेल्पफुल हैं। अंदर आके कोई सवाल पूछ कर देखना, आपका सवाल खत्म नहीं होगा उससे पहले कोई बच्चा जवाब दे देगा। हमें अपने बच्चों पर बड़ा नाज भी है। तो आइए इस कोर्स में जो आपको हिला कर रख दे, ज्योग्राफी क्यों ज़रूरी है आने वाले ज़माने के कैरियर के हिसाब से,
इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए अगले वीडियो में।